खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। हमारे यहाँ पर इंडियन खाने के बाद में अगर कोई खाना फेमस है तो वो है चाइनीज खाना। लेकिन चाइनीज खाना हमें खाने की तो इच्छा करती है, एकदम ऑथेंटिक, लेकिन टेस्ट हमें अपना चाहिए होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा खाना जो चाइनीज भी हो लेकिन उसके साथ साथ हमें भाए। जी हाँ, ऐसा खाना जो पियामन भाए, मतलब जो सबको भाए, वैसा खाना बनाते हैं चाइनीज स्टाइल में। और ये जो खाना है इसमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। कम से कम तेल का इस्तेमाल करेंगे और ये इसके अंदर मैं सर्व करूँगा इसे। और ये ट्राई कलर वेजिटेबल्स मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास कॉर्न है और ये जो कॉर्न है इसको आप उबाल लें, कॉर्न के दाने, अमेरिकन कॉर्न, थोड़ा मीठा रहता है, कलर भी बड़ा अच्छा। उसके साथ साथ ब्रोकली, इसे हल्का सा ब्लांच करें, ठंडे पानी में डाल के रख लें, ज़्यादा ओवर कुक ना करें। देखिए कितना बढ़िया हरा रंग आता है। और गाजर, तो अब क्या करना है, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि ये जो गाजर है इसे तैयार कर लेता हूँ, ग्लेज कर लेता हूँ। तो गाजर, उसमें थोड़ा सा तेल और ये गाजर, और इस रेसिपी में ये गाजर थोड़ी सी ब्लांच की हुई या कच्ची भी रख सकते हैं, उसे थोड़ा सा पकाना पड़ेगा। फिर इसमें नमक, और नमक के साथ चीनी, ये देखिए इसे ग्लेज कर लिया। और अब इसमें डालेंगे जरा सा विनेगर, विनेगर इसमें डाल के ये सब्जियां तैयार, ये गाजर तैयार। इसको अलग रख लेते हैं हम, हल्का सा ग्लेज किया, अलग रखा। और अब ये जो ब्रोकली है मेरे पास इसे मैं थोड़ा सा टॉस करूंगा, इसमें थोड़ा सा टेस्ट दूंगा। ये ले लिया हमने, और इसमें ये बनाएंगे हम हरी मिर्च के साथ। तो ये ब्रोकली, उसमें हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक, और ये हल्का सा टॉस किया ताकि इसके अंदर तीखा टेस्ट आए, नमक आए, बस। और अब बची हमारे पास ये कॉर्न, कॉर्न में भी थोड़ा सा ग्लेज, हल्का सा तेल, और कॉर्न ये ले लिए, कॉर्न के अंदर थोड़ा सा नमक, और बस, और कुछ नहीं करना है इसमें हमें। तो ये ले लेते हैं कॉर्न, कॉर्न भी एक अलग निकाल दिया। और अब एक सॉस बनाते हैं हम, और ये जो सॉस है ये गार्लिक के साथ बनाएंगे हम, ढेर सारी गार्लिक, ये देखिए। और फिर इसके अंदर थोड़ा पानी, चलिए जब तक ये पानी उबलता है एक काम मैं करता हूं, इसे सर्व करने के लिए ये सबसे पहले ये जो कॉर्न है, ये जो पकाया हुआ कॉर्न, उसके बाद ये जो गाजर है जिसे हमने ग्लेज किया हुआ है, ये इसके किनारों में, इसके साथ इसमें मुझे डालना है नमक, थोड़ा सा पेपर, बड़ी सिंपल सी सॉस है ये, ढेर सारा गार्लिक है, नमक और पेपर, चाहे तो आप इसको स्टॉक के साथ भी बना सकते हैं। खैर, ये जो मेरे पास ब्रोकली है ये ले लेते हैं, ब्रोकली, और ये जो हरी मिर्चें हैं इसे आप स्प्रेड कर दें। अब ये सॉस जो है इसे हमने थिकन करना है, इसमें हम डाल देते हैं ये पानी में घुला हुआ कॉर्न स्टार्च, और इसे अच्छी तरह से कर देते हैं मिक्स। और अब इसके अंदर दो चीजें, नमक डाल चुके हैं, चीनी और विनेगर, इसे मिक्स करें, ढेर सारा गार्लिक का टेस्ट। और अब इसको निकाल दें, ये देखिए, और उसके बाद ये जो गार्लिक है इसको डालें, ये सॉस को इस तरह से सब्जी बनाएंगे
दिखने में अच्छी लगती है, खाने में टेस्टी है, सिंपल टेस्ट है, बहुत ही रिफ्रेशिंग है। अभी बनाइए, ढेर सारी बनाइए, खूब सारी खाइए, खूब सारी खिलाइए। इसके लिए हमें चाहिए 2 गाजर उबली और स्लाइस की हुई, 1.5 कप ब्रोकली के टुकड़े उबले हुए, 1 कप मकई के दाने उबले हुए, 4 छोटे चम्मच तेल, नमक स्वादानुसार, 2 छोटे चम्मच चीनी, 2 छोटे चम्मच सिरका यानी विनेगर, 1 हरी मिर्च कटी हुई, 15 लहसुन की कलियां कटी हुई, कुटी काली मिर्च स्वाद अनुसार, 2 छोटे चम्मच कॉर्नस्टार्च, 1/2 कप वेजिटेबल स्टॉक में घुला हुआ और 1/2 कप वेजिटेबल स्टॉक। इसे बनाने के लिए एक पैन में 2 छोटे चम्मच तेल डालकर गर्म करें और इसके अंदर गाजर, नमक, 1 छोटा चम्मच चीनी और 1 छोटा चम्मच विनेगर डालकर मिलाएं और इसे निकाल लें। अब इसी पैन में हरी मिर्चें, ब्रोकली के टुकड़े और नमक डालकर इसे कुछ देर सौते करें और निकाल लें। अब इस पैन के अंदर मकई के दाने और नमक डालकर कुछ देर पकाएं और इसे भी निकाल कर रख लें। सॉस के लिए एक पैन में बचा तेल गर्म करके इसके अंदर 1/2 कप पानी, लहसुन, नमक और काली मिर्च पाउडर डालकर इसे उबालें, फिर इसके अंदर कॉर्नस्टार्च, बची चीनी और सिरका डालकर इसे गाढ़ा होने तक पकाएं। इसे सर्व करने के लिए एक सर्विंग डिश के अंदर गोल मोल्ड को रखें, इसके अंदर मकई के दाने डालें, किनारों पर गाजर और ब्रोकली के टुकड़े लगाएं, फिर इसके ऊपर हरी मिर्च डालकर, फिर सावधानी से मोल्ड निकालकर इसके ऊपर तैयार सॉस को डालकर गर्मा गर्म सर्व करें।